सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओटेक गेमिंग। सो गाइस, मैं अग्नि वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और गाइस, आज मैं गाइस करने वाला हूँ गाइस द एबिलिटी टेस्ट ऑफ इलाइट के लिए गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि गाइस इलाइट के लिए क्या होता है। गाइस आप लोगों में से किसी किसी को पता है कि इलाइट के लिए क्या होता है? अगर नहीं पता तो गाइस मैं बता देता हूँ। गाइस केली, इलाइट के लिए गाइस आप शॉर्ट फॉर्म में सोच लो कि गाइस ये है केली की बड़ी बहन, ठीक है। गाइस गाइस इसका जो केली की, अगर गाइस आप एवरकिन मिशन कंप्लीट करते हो तो गाइस आपका जो है इलाइट केली खुलती है, ठीक है गाइस। सो गाइस तो चलो गाइस देखते हैं कि इसका एबिलिटी क्या है। फर्स्ट गाइस हम देखते हैं इसका एबिलिटी क्या है गाइस, ठीक है। सो गाइस ये इलाइट के लिए जो है कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने मे भी इसे देखा होगा, ठीक है। तो गाइस चलो अब इसका हम एबिलिटी देखते हैं गाइस। तो इसका एबिलिटी कुछ इस प्रकार है, एक्टिवेट आफ्टर 7 सेकंड ऑफ स्प्लिटिंग, फर्स्ट वन शॉट ऑन टारगेट इन्फ्लिक्ट्स डैमेज 115 एटलीस्ट फॉर 5 सेकंड, ठीक है। सो गाइस ये क्या होता है गाइस, आपको जो है 7 सेकंड तक गाइस आपको स्प्लिटिंग करते रहना होगा, ठीक है। तो गाइस 7 सेकंड के बाद इसका जो है, देख सकते हैं मेरे का स्किल इवेंट बता रहा है, ठीक है। तो गाइस इस 7 सेकंड स्प्लिट करने के बाद इसका जो है, मतलब इसका स्किल एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो और देखो 7 सेकंड के बाद इसका जो मतलब एक्टिव हुआ, ठीक है। तो एक्टिव होने के बाद जब आप एनिमी को पहला जो मतलब एमओ लगेगा ना, वो 115% डैमेज मतलब होगा, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे आप मारते हो, लाइक आप मान लो M500, ठीक है। तो M500 गाइस एक जो है मतलब पिस्तौल होती है, ठीक है। तो उससे अगर आप ऐसे ही मतलब इलाइट के लिए को बिना यूज करे आप इसे ऐसे ही मारोगे तो वो जो है मतलब वैसे ही नॉर्मल 45 के डैमेज देती है, ठीक है। अगर आप इलाइट के लिए को यूज करके मारोगे तो आपका जो 5% वो डैमेज मतलब 115% उसका डैमेज जो है मतलब वो बताती है, ठीक है। मतलब ये शो करती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप इलाइट के लिए यूज करके मारोगे तो 50-55 करके डैमेज देगी गाइस, ठीक है। ओनली फर्स्ट, ठीक है, बाकी सब कुछ काम नहीं करता, बट ओनली फर्स्ट। और ये गाइस ओनली 5 सेकंड के अंदर ही आपको करना होता है। 5 सेकंड के बाद उसका जो है फिर डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर आपको 7 सेकंड तक आपको स्प्रिन करते रहना होगा, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो गाइस अभी जो है गाइस देख सकते हो, मैं और एक बार आपको वीडियो के एंड मतलब इसमें समझाऊंगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्किल इवेंट बता रहा है गाइस, मैंने जो है 7 सेकंड तक यहाँ पे जो है स्प्रिन की गाइस, ठीक है। इसलिए गाइस जो है मेरा स्किल हुआ है। और गाइस देखते 5 सेकंड के अंदर ये गायब हो गया, ठीक है गाइस। उसके अंदर ही आपको मारना होता है गाइस, ठीक है। सो गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसे मार रहा हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल जैसे डैमेज कर रहा है ऐसे ही डैमेज कर रहा है गाइस। यहाँ पे मैं स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे कॉन्स्टेंट खड़ा हूँ। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो इसका कितना मतलब, ये गाइस इसमें इलाइट के लिए कुछ काम नहीं, मैंने इसे ड्रैग किया इसलिए जाकर डायरेक्ट हेडशॉट लगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बंदा, मैंने यहाँ पे 3 बंदे को ख़त्म किया है। और गाइस यहाँ पे गए देखते हैं को दिखाने का चांस मिलेगा या नहीं। यहाँ पे गाइस फाइनली बुआ हो चुका है, ठीक है। सो गाइस फाइनली मैच बुआ हो चुका है। और गाइस एंड में ये बोलूँगा कि गाइस वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। सो गाइस आई होप कि इस वीडियो में आपको ना कुछ समझ में आ गया होगा। और आपको समझ में आया तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा गाइस, ठीक है। सो गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।